दोनों मियाँ बीबी काफी उम्र के हो चुके हैं जी अंकल। और हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, फार्म हाउस है, ये बाग बगीचा सारी नर्सरी वगैरह है जी अंकल जी। हमारे पास बहुत सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ जी अंकल जी। लेकिन हमारे पास एक ही कमी है कि हमारे पास कोई वारिस नहीं है इसका। हम ऐसे मतलब आदमी चाहते हैं जो लड़का चाहे किसी उम्र का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साफ सुथरा हो, हमारे समझ में आ जाएगा तो हम उसको रख लेंगे जी अंकल जी। और वो हमारी सेवा कर सके ताकि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। उम्र 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 भी चल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, शादी शुदा भी हो जी। जल्दी जल्दी से मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ अंकल आंटी की। अंकल आंटी कह रहे कि अंकल आंटी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, एजिड हो चुके हैं, दूर दूर तक कोई वाली वारिस नहीं है। तो अभी अंकल आंटी चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा लड़का मिले या लड़की भी चलेगी ना आंटी, इनके पास रहे, सेवा पानी करे इनके भाई, और उसके बाद अगर इनको अच्छा लगता है तो अपनी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे उसको। अगर वो अंकल आपसे कॉन्टेक्ट होना चाहे आंटी जी, तो वो कैसे करे? मतलब वो आप देखिए, स्टार भेजिए कुछ भी। अच्छा, कैसे भी करके। हाँ, तो हाँ, मैंने अंकल आंटी को बताया, देखो आप ना हजारों कमेंट करते हो तो हजारों कमेंट में ये भी पजल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते। तो भाई स्टार होते हैं ना, स्टार भेजो, जितने ज्यादा स्टार्स भेजोगे ना तो आपका जो कमेंट है वो अलग से ना हाईलाइट हो जाएगा 2-3 घंटे के लिए, तो उनकी नजर पड़ जाएगी, वो इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे डायरेक्ट, जिसको जो हमें अच्छा लगेगा हम उससे कॉन्टेक्ट करके उसको बुला। अच्छा अंकल, तो भाई आज हमें अंकल आंटी ने इनवाइट किया था, फोन आया था हमारे पास कि बेटा कुछ वीडियोस बनानी। हेलो अंकल जी, नमस्कार। नमस्ते आंटी जी। अंकल जी माइक ले लीजिए एक बार। ये मेरा नाम ताबिश है, आपने मुझे कॉल किया था। बेटा पहचाने नहीं आप कौन? अंकल जी आपने मुझे कॉल किया था ना, फेसबुक पे वीडियोस देखी थी मेरी। अच्छा, आपने बताया था कि हाँ आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको बात करनी है मुझसे। जी अंकल जी बताइए क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या बात करना चाह रहे थे और क्यों वीडियोस बनवा रहे हो बताओ। बेटा ऐसा है, पहले तो हम अपने बारे में बता देते हैं आपको। जी अंकल जी, कि हम दोनों मियाँ बीबी काफी उम्र के हो चुके हैं जी अंकल। और हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, फार्म हाउस है, ये बाग बगीचा सारी नर्सरी वगैरह है जी अंकल जी। हमारे पास बहुत सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ जी अंकल जी। लेकिन हमारे पास एक ही कमी है कि हमारे पास कोई वारिस नहीं है इसका। अच्छा अच्छा, मतलब बेसिकली अंकल जी आपको ये वीडियो इसलिए बनवानी है कि आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह किसी को अडॉप्ट करना चाह रहे हो? आप किसी को नहीं, हम ऐसे मतलब आदमी चाहते हैं जो लड़का चाहे किसी उम्र का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साफ सुथरा हो, हमारे समझ में आ जाएगा तो हम उसको रख लेंगे जी अंकल जी। और वो हमारी सेवा कर सके ताकि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। ठीक है अंकल जी। तो फिर मतलब लड़के, मतलब लड़का तो चलो अंकल चाहिए आपको, लेकिन लड़का कैसा चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र से कोई मतलब नहीं, उम्र 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 भी चल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, शादी शुदा भी हो जी, लेकिन हमारा ख्याल रख सके और इस प्रॉपर्टी का ख्याल रख सके। अच्छा मतलब आपका कोई बेटा, कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं? हमारा कोई है नहीं, बिल्कुल भी ना, कोई रिश्तेदार है, ना कोई हमारा बेटा हुआ है, ना कोई औलाद हुई है, हमारा लड़का भी नहीं हुआ, लड़की भी नहीं हुई। अच्छा, तो आप दोनों ही हो मतलब पूरे उसमें? बस हम ये चाहते हैं कोई लड़का ऐसा मिले हमारे को जी, के तो इसको संभाल सके और हमारी सेवा कर सके। अच्छा अच्छा, सेवा के लिए चाहिए। अच्छा आंटी जी आप माइक ले रहे थे, बताइए आंटी। हाँ, आप... बेटा मैं इसलिए ले रही थी माइक कि मैं आपको बताऊं, हम बेटा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बेटी भी हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये है कि बेटी तो कल को शादी करेगी, अपने घर चली जाएगी जी, ठीक है ना। हमें ये चाहिए, हमें इस बात का भी नहीं है कि वो हमारी कैसी सेवा करेगा नहीं करेगा, हम नौकर रख के भी कर सकते हैं ना, लेकिन जब हम उसको अपना मानेंगे, बेटा मानेंगे, उसको दिल से चाहेंगे, वो भी हमें दिल से चाहने वाला मिलना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा। है तो उसी का सब कुछ। अच्छा आंटी आपकी एज क्या हो गई है? मेरी एज बेटे 60 अबव है। 60 अबव है, मेरी 65 है बेटा। 65 है, तो मतलब इस उम्र में आप बेटा अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको ये डर नहीं लगता कि मतलब कोई प्रॉपर्टी का? डर तो ये नहीं लगता कि वो, हम तो ये सोचते हैं पता नहीं कितने दिन के हैं जी, साल के हैं, 2 साल के, भगवान जाने कब क्या हो क्या ना हो, हम ये चाहते हैं कोई अच्छा आदमी हमारे को मिले और इस प्रॉपर्टी को संभाल ले और जितने धर्म जी हमारी सेवा करे। अच्छा आंटी जी, अच्छा मैं तो पर्सनल है, लेकिन जब आप वीडियो में मतलब बनवा ही रहे हो और आप चाहते हो कि कोई लड़का आप अडॉप्ट करें, तो एक बार ये बता दो कि मतलब उसके प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, प्रॉपर्टी में आप उसको क्या 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 देने वाले हो? प्रॉपर्टी में ये मेरा नर्सरी आप देख रहे हो, ये देखो इसके पीछे मेरा फार्म हाउस है। हाँ, हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, सारी आपकी है? हाँ सारी हमारी है जी। हमारा कोई संभालने वाला तो है नहीं जी, ठीक है। अगर आपके थ्रू हम इसलिए चाहते हैं कि आप भी थोड़ा हमारा साथ दोगे, देखने में, परखने में, हर चीज में। बेटा किसी के फेस पे तो कुछ भी नहीं लिखा ना, ये अंदर से कौन क्या है, खाली ये ना सोचे कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। कल को हमारा हमारी सेफ्टी भी चाहिए, सब चाहिए जी, जी, तो जी। हम आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे ना बेटा। नहीं आंटी जी ठीक है, मैंने आपके बारे में सुन रखा है इसलिए आपको इन्फॉर्म किया है।
जी देखो कि हमें ऐसा चाहिए। कितनी प्यारी नर्सरी है अंकल आंटी की, लगा रखी है हमने, हम जितने रख रखे हैं मजदूर यहाँ सब बढ़िया काम करते हैं। अच्छा अंकल जी एक चीज बताइए कि जैसे मतलब लड़का आपके पास कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा तो कैसे करेगा ये बताइए, क्योंकि फेसबुक में मैं वीडियो डालूंगा आपकी और ये पता नहीं कहां तक वायरल होगी और आप उसको करोड़ों के फार्म हाउस प्रॉपर्टी, इनके अलावा और भी बहुत सारी जमीनें होगी आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग होगी ना, हमारी कोठी भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई वाली वारिस नहीं है ना इसका, तो मैं वही वही चाहिए, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आंटी देखो करोड़ों की प्रॉपर्टी तो आप ऐसे किसी के नाम करोगे नहीं, तो आप एक इंसान में कैसा क्या चीजें ढूंढते हो जो आपका वो वारिस बन जाए, क्या चाहते हो आप उससे? बेटे आप समझ सकते हो अगर हमारी इमोशनल वो समझता होगा अंदर से तो उस बच्चे को समझने के लिए हमने आपका भी साथ लिया है, साथ तो लिया, लिया ना, लेकिन, तो कुछ आप समझोगे कुछ हम समझेंगे, बाकी तो उस भगवान पे छोड़ेंगे। तो आप मतलब साल दो साल सेवा कराओगे या फिर जैसे कांटेक्ट करता आपको लगा कि अच्छा इंसान है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, उसके नाम करेंगे, उसी का ही है बेटा सब कुछ, हमारा कोई नहीं है आगे पीछे। तो आप चाहते हो कि साल दो साल आपकी सेवा करें, तो भाई मतलब अंकल आंटी कहना चाह रहे हैं, मैं क्लियर बता देता हूँ, अंकल आंटी कह रहे हैं कि भाई उनकी एक एज हो चुकी है, भगवान ने एज भी भाई कितनी लिखी है इंसान की, 60 कुछ पता नहीं, वो तो बेटे एक पल का भी नहीं पता होता, वैसे तो किसी का भी कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, तो हमारी तो उम्र हो चुकी है ना, हम ये चाहते हैं भाई इस प्रॉपर्टी का कोई मालिक हो, कोई संभाल सके, हमारी सेवा कर सके, ये ना कोई फ्रॉड आदमी तो बहुत मिलते हैं, बिल्कुल अंकल जी ये तो है फ्रॉड, तो हमने पता लगा था इसलिए आपसे हमने कांटेक्ट किया, इसलिए आपको बुलाया। देखो अंकल जी ऐसे तो हजारों लाखों कमेंट इंसान करते हैं, बहुत आते हैं बेटा, बहुत मिलते हैं। मैं एक बात बताऊं बेटे, आप भी हमारे बच्चे हो, जब हमें कुछ ऐसा मिलेगा आपके थ्रू मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, आगे बढ़िया होगा, तो हम आपके लिए भी बढ़िया सोचेंगे, आप भी हमारे बेटे की तरह ही हो, जो इस काम में हमारी सहायता करेगा ना, हम उसके लिए कैसे नहीं आगे होंगे बेटे। तो अब जल्दी जल्दी से मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ अंकल आंटी की, अंकल आंटी कह रहे हैं कि अंकल आंटी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, एजिड हो चुके हैं, दूर दूर तक कोई वाली वारिस नहीं है, तो अभी अंकल आंटी चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा लड़का मिले या लड़की भी चलेगी ना आंटी, लड़की तो लेकिन मजबूरी है चलेगी, लेकिन लड़का तो हो जाए तो बढ़िया, लड़की तो शादी करके कल को अपने घर चली जाएगी, ऐसे ही रह जाएगा, तो मतलब लड़कियां वैसे कर सकती है कमेंट भाई, कर सकते नहीं मिला तो लड़कियां, नहीं तो भाई वैसे डिमांड तो लड़के की है कि जो लड़का भाई इनके पास रहे, सेवा पानी करे इनकी भाई, और उसके बाद अगर इनको अच्छा लगता है तो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, पूरी करोड़ों की नर्सरी मतलब ये हो गई है, नर्सरी हो गई, फार्म हाउस है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास, ऐसी बात नहीं, कोठी भी बहुत बढ़िया वो फार्म हाउस ही देखने से पता चल रहा है कि कितना करोड़ होगा, तो भाई सारी भाई उस लड़के के नाम हो कर देंगे अंकल आंटी, और भाई फिर अपनी जिंदगी वो अच्छे से बिता सकता है। अच्छा अंकल ये बताइए अमीर चलेगा लड़का, गरीब चलेगा, काला गोरा कैसा? लड़का तो चेक ऐसा भी हो, लेकिन हम उसको परखेंगे जरूर। अच्छा, परख के जब ही हम हमारी समझ में आएगा तो हम उसको उसके नाम करेंगे, उसको रखेंगे। अच्छा, कोई जात अंकल को ऐसे कि भाई हिंदू हो मुस्लिम है कोई भी चलेगा? नहीं चल तो सब भी जाएगा, लेकिन ये ना हो फ्रॉड वगैरह, हम तो पहले उसको देखेंगे, महीना दो महीने छह महीने उसको देखेंगे क्या है कैसा नहीं है, एकदम तो किसी का पता ही नहीं लगता किसी के चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। घर में जब घुल मिल जाता है ना बच्चा तो अपने परखा तो जाता नेचर है, तो फिर एक महीना तो पता लग दो महीने में पता लग ही जाता है आदमी का ये क्या चीज है, बिल्कुल तभी हम उसको फिर। तो भाई कास्ट जम कुछ नहीं है, उम्र कुछ नहीं है, अगर बच्चों वाला इंसान हुआ, बच्चों वाला होगा वो भी चल जाएगा, कोई ऐसे भी होते हैं फैमिली होती है उनकी वो इस लाइक नहीं भी होते, हम उसको भी रखने को तैयार हैं। अंकल आंटी किसी एक इंसान की ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जाते जाते भी भाई, तो भाई उम्र कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, लड़की की एज की कुछ भी हो, या फिर मतलब बच्चे बच्चे हो शादी होता हो, सब कुछ चलेगा, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना आंटी जी? अच्छा उसको अगर वो अंकल आपसे कांटेक्ट होना चाहिए आंटी जी, तो वो कैसे करे मतलब? वो आप देखिए स्टार भेजिए कुछ भी। अच्छा, कैसे भी करके। हाँ, तो हाँ मैंने अंकल आंटी को बताया था, देखो आप ना हजारों कमेंट करते हो तो हजारों कमेंट में ये भी पजल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, तो भाई स्टार होते हैं ना, स्टार भेजो, जितने ज्यादा स्टार्स भेजोगे ना तो आपका जो कमेंट है वो अलग से ना हाईलाइट हो जाएगा दो तीन घंटे के लिए, तो उनकी नजर पड़ जाएगी, वो इनसे कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट जिसको जो हमें अच्छा लगेगा हम उससे कॉन्टेक्ट करके उसको बुलाएंगे। अच्छा अंकल कोई अगर बाहर का बंदा तो उसके आने जाने का किराया भी आप ही दे दोगे ना? किराया फिर हम दे देंगे सबको, सब कुछ हम करेंगे, आने का जाने का खाना पीना खर्चा किराया रेंट, बेशक किसी अपने बच्चे बीवी हो उनको भी साथ लाना है, पैसे कमी है ही नहीं। जी जी, तो भाई एक बार अंकल की नर्सरी दिखा देता हूँ मैं, देख लो आप हमारी नर्सरी है, ये देखो भाई उधर भी है फार्म हाउस, ये देखो भाई कितनी बड़ी मतलब नर्सरी है, और अंकल के पीछे भी अंकल की प्रॉपर्टी है सारी, पीछे भी प्रॉपर्टी पड़ी है हमारी, ये देखो भाई। तो भाई फटाफट चलो अंकल मैं बोल देता हूँ, ये लोग कमेंट करेंगे नंबर छोड़ेंगे और अपना स्टार से भेजना, जितने ज्यादा स्टार से भेजोगे हाईलाइट भेजना, तो अंकल जी इमीडिएट उसको बुला लोगे आप एक दो दिन में? जैसे बिल्कुल
चलो भाई जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट करें हमसे। चलो भाई ठीक है, आप ना फटाफट कांटेक्ट करना, कंटेंट अपने मतलब कांटेक्ट भेजना कमेंट सेक्शन में और स्टार से भेजना। ठीक है आंटी जी, बाकी ट्राई करता हूँ मैं भी कोई अच्छा इंसान मिले, मैं भी ढूंढूंगा। ठीक है आंटी जी, ओके आंटी, थैंक यू बेटा।